हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.1 और 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 2.2 में हमने क्या पढ़ा था? जीरोज के बारे में, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, हमें क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई x + 1। जब हम इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो, जब हमें रिमाइंडर निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x + 1 है, इसको हमने क्या किया? लेट px = x³ + 3x² + 3x + 1। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखी है और क्या दे रखा है? व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x + 1, तो हम क्या करेंगे? x + 1 से डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है कि x + 1 को इज इक्वल टू किसके रख लें? जीरो के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है उसमें हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? -1। और -1 पुट करने से जो भी हमारे पास लास्ट में बचेगा वो क्या होगा? हमारे पास रिमाइंडर। कैसे? x + 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आई? -1। इज टू बी पुटिंग इन पी एक्स, इसको हम पुट करेंगे पी एक्स में। एक्स की जगह क्या आएगा? -1। -1³ + 3 - 1² + 3 - 1 + 1। -1 का क्यूब क्या आएगा? -1। -1 का स्केयर 1, 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, 3 की और -1 की -3 + 1। +1 से -1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, क्या आया? 0 आ गया। तो हमारे पास हम क्या बोल देंगे? रिमाइंडर इज 0, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास px = x³ + 3x² + 3x + 1। और आपको पॉलिनोमियल क्या दे रखी है? किससे डिवाइड करना है? x - 1/2 से। इसको इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0। फिर यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको उधर लेके गई, क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 1/2 इज टू बी द पुटिंग इन इक्वेशन पी एक्स, इसको हम पी एक्स के अंदर पुट करेंगे। पी एक्स की जगह क्या पुट किया? 1/2 इज इक्वल टू 1/2³ + 3 × 1/2² + 3 × 1/2 + 1। 1/2 का क्यूब क्या आएगा? 1³ 1 और 2³ 8 + 1² 1, 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, 2 का स्केयर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, +3 = 3 और / 2 + 1। अब सभी का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा, 8 = 1 आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12 और 8 × 8 = 12 + 8 = 20, 20 + 6 = 26 + 1 = 27, क्या आ जाएगा? 27/8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? इसका रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इसका रिमाइंडर। नेक्स्ट है थर्ड, px = x³ + 3x² + 3x + 1। आपको एक पॉलिनोमियल दी हुई है और क्या बताना है कि पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स, कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास से रिमाइंडर क्या आएगा। अब x है, x के साथ और कुछ भी नहीं है, इसके इक्वल में हमें क्या पुट करना है? 0। तो इट मीन्स जो पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। x = 0 इज टू बी पुट इन पी एक्स। पी 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0³ + 3 × 0² + 3 × 0 + 1। ये 0³, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या आ जाएगा? ओनली 1। और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर। नेक्स्ट है px = x³ + 3x² + 3x + 1। व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x + π, किससे करना है हमें? x + π से। एंड x + π इज इक्वल टू 0, x + π को क्या रख लिया हमने? 0। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको उधर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा? x = -π इज टू बी पुट इन पी एक्स। -π को हम किस में पुट करेंगे? इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। देखो कैसे क्या आएगा, p -π³ + 3 × -π² + 3 × -π + 1 आ जाएगा हमारे पास। -π का क्यूब क्या आएगा? -π³ + π का स्केयर क्या हो जाएगा? π² की 3 से मल्टीप्लाई 3π² 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3π और +1। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? -π³ + 3π² + 3π + 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर। नेक्स्ट है
फिफ्थ पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस ए वन वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई फाइव प्लस ए टू एक्स है. पी एक्स को हमने डिवाइड किया फाइव प्लस टू एक्स, तो इट मीन्स इसको इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे. फिर यहां से क्या आ जाएगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करके देखो, 5 प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स को इधर रखेंगे, 5 को उधर लेके आए, माइनस फाइव आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस फाइव, इधर 2 था मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा डिवाइड. x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस फाइव बाई टू. अब इसके अंदर p, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस फाइव बाई टू, करो सॉल्व. अब x क्यूब माइनस फाइव बाई टू क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस ए वन. माइनस फाइव का क्यूब, माइनस का क्यूब करेंगे क्या आएगा, माइनस फाइव क्यूब क्या आएगा, 125 और 2 का क्यूब 8. माइनस फाइव का स्क्वेयर करेंगे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा ना स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25, 25 थ्री जा 75 और 2 का स्क्वेयर 4. माइनस प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 बाई 2 प्लस 1. रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर. 8 आने के बाद हम क्या करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 की और 75 की मल्टीप्लाई 150, 2 4 जा 4 और 15 की मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा और 1 8 जा 8 1 जा 8. अब सबको करेंगे, 125 माइनस 61 कितना आ जाएगा, 185 और प्लस 158 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 35 प्लस 8 बाई 8, ये कितना आया, माइनस 27 बाई 8. तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज माइनस 27 बाई 8. ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द रिमाइंडर वेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए. हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर, कब एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए. अगर हम इस पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तब हमें रिमाइंडर क्या मिलता है. देखो, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल आपको दी हुई है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, और क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर. x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो. एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए फर्स्ट क्वेश्चन में किया है ना भी हमने ऐसा ही, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो. x इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, ए पुटिंग इन पी एक्स. इसको हम ए को किसके अंदर पुट करेंगे, पी एक्स के अंदर, पी एक्स की जगह हमने ए पुट किया तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा प्लस सिक्स प्लस, यहाँ आएगा आपके पास प्लस सिक्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए और माइनस ए. अब देखो ए क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब ए स्क्वेयर और ए की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, माइनस ए क्यूब, ये क्या है प्लस सिक्स ए और ये क्या है माइनस ए. ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिक्स ए में से ए हटाएंगे हम क्या आएगा, फाइव ए. तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फाइव ए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. चेक वेदर 7 प्लस थ्री एक्स इज ए फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स. आपको बता रखा है कि 7 प्लस थ्री एक्स, आपको चेक करना है कि 7 प्लस थ्री एक्स है वो एक फैक्टर है या नहीं, किसका, थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स का फैक्टर है या नहीं. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे. देखो, जो हमें ये बोल दिया कि अगर ये इसका फैक्टर है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो. अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि अगर इसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो क्या बोल देंगे, इट इज ए फैक्टर, और अगर इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो क्या बोल देंगे, नो इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स. वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई सेवन प्लस थ्री एक्स, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे, सेवन प्लस थ्री एक्स से. डिवाइड करेंगे तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वल टू जीरो पुट करके, 3x इधर रहेगा प्लस 7 को इधर ले आए क्या आ जाएगा, माइनस 7. अब x हमारे पास एज इट इज रहेगा, 3 को इधर लेके आए डिवाइड में आया, माइनस 7 बाई 3. x की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे. पुटिंग द x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 3 इन पी एक्स, पी एक्स में पुट करेंगे, p x की जगह क्या है, माइनस 7 बाई 3 इज इक्वल टू 3. पॉलिनोमियल क्या है, थ्री एक्स क्यूब, थ्री एज इट इज और एक्स क्यूब माइनस सेवन बाई थ्री का क्यूब प्लस सेवन इंटू माइनस सेवन बाई थ्री आ गया. माइनस थ्री देखो माइनस का क्यूब है तो माइनस आएगा, थ्री एज इट इज कर लिया मल्टीप्लाई सेवन का क्यूब 343, थ्री का क्यूब 27
प्लस माइनस माइनस सेवन सेवन जा 49 बाई 3, 3 वन जा 3, 3 नाइन जा 27, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 343 बाई 9 माइनस 49 बाई 3, एलसीएम दोनों से क्या आएगा 9 आ जाएगा, तो ये माइनस 343 एज इट इज माइनस 33 जा 9, 3 की और 49 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 147, दोनों नेगेटिव है तो दोनों का सम करेंगे और साइन नेगेटिव रहेगा, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा 343 माइनस 147 क्या आ जाएगा माइनस 490। अब हमारे पास ये जीरो के इक्वल नहीं है सो रिमाइंडर इज माइनस 490 बाई 9 नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर 3x प्लस 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने बताया था अगर इसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो यस इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमारे पास इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे नो इट इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, ओके, थैंक यू।